Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to a new video. So, बहुत जल्दी उठा था मैं और नहा धो के चेंज वगैरह कर लिया. अब मैं जा रहा हूँ समदानी को स्कूल छोड़ने, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ. So guys, मैं आ चुका हूँ समदानी को स्कूल ड्रॉप करके और आते आते मैंने लेके आया शिरिन के लिए नाश्ता जो कि है बटर और दूध. अभी फटाफट चाय बना था, नाश्ता करते फिर आपसे हम लोग मिलते हैं. शिरिन घर पर आकर के चढ़ा रहे हैं चाय, पहले रखे हैं अभी दूध, फिर आ रहेंगे इसमें चाय पत्ती चेक कर. और मेरे हाथ में किधर है ये देखो, पूरे कपड़े इसके सूख के यहाँ पर पड़े हुए और मेरे थोड़े से जो गीले थे वो भी मैंने थोड़ा और हवा में डाले, बाकी सब कपड़े अंदर डाल दी हूँ. कपड़े उठा के रख दीजिए महाराज. हाँ सर, वो 2 सेकंड बाद चले. हाँ 2 सेकंड बाद, वो जाने वाला नहीं है वो, जब तक मैं चिल्ला पुकारा नहीं करूंगी ना घर में. अच्छा मैं चिल्ला पुकारा कैसे करती हूँ घर में पता? मेरे को नहीं मालूम. क्यों घर में? कल रात को आई मैं घर में तो मैं उसको चिल्लाने लगी कुछ बात से, तब तो आ गई ना घर में, चालू हो गया ना तेरा. घर के बाहर रहती तो सुकून से रहते, घर के अंदर आती थे महंगी हो जाती है. नहीं नहीं कैसे बोलती हूँ मैं, कैसे चिल्लाती हूँ तेरे को? अभी याद नहीं आ रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा है. मेरी लॉस हो चुकी है. अब ये लॉस हुई नहीं, अभी मैं लॉस करती हूँ तेरी मेमोरी. तभी देखो कॉफ डर, देखो डर ऐसा डर रहना चाहिए हर आदमियों में. ओवर बात मत किया कर. चले चल चाय बना. बना गैस बंद हुआ? हाँ गैस बंद हुआ है, वो ऐसा करेंगे ना ये देख. तो कैसी दलिंदर रहेगी रे? मेरा डर रहेगी ये सब. अच्छा चालू होता है क्यों? क्या वापस चालू? बोला ना मेरे को बना उल्लो. बस खुश. तू खुश? पानी है तो. तभी आंटी को ना मालिश के लिए तेल चाहिए तो ये तेल बहुत अच्छा है. ये बट है ना, ये जो फिजियोथेरेपी अम्मी जाते थे ना उनने दिया था, बड़ी उनके पास ही मिलता, बाहर नहीं मिलता. पर ये तेल बहुत अच्छा है, पूरा दर्द वर्द खींच लेता है. देखो ऐसे आड़े टेढ़े लोग को सीधा बना देता है ये देखो. एक बार था इसमें वो वीडियो डालो ना कैप जो तुम चल के गए थे. प्लीज अरे मेरे कबड़ में जगह नहीं है यार वो बात. तो घर के बाहर निकल जा. हाँ तो तेरा कबड़ खाली करके देना. क्यों मारूं मैं मेरे कबड़ खाली? मेरे सिर्फ गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये देखो ये और एक यही है और मेरे पास कुछ भी अरे नहीं. नीचे का क्या है? अभी बोलता था क्यों नीचे तेरे नाम के कपड़े नहीं है? कौन से कपड़े? मेरे इराक से जो लिए थे. हाँ तो दो तीन दो ताइन अभी गाना लगाएगा. ये देखो देखो घर में रहता है, घर के बटन भी नहीं मालूम. इसका मुंडा कितना बड़ा दिख रहा है वीडियो में. Oh my God, you're wearing crop top. You're now connected to Boat Avante. चलो गाइस मिलते आप लोग से. भाई को मेरी उंगली कट गई, गैस पहुंचते पहुंचते उंगली कट गई. तुम क्यों रो रहे हो? उंगली कट गई, आई मीन उंगली कट गई. यही उंगली है कैफ, तेरे वजह से काटी. जाना यार मत करना शिरिन, उंगली तोड़ता दे. और बता मुझे मालूम ही नहीं था मेरी उंगली कटी है, वो तो मेरे आदमी ने बताया तेरी उंगली से खून आ रहा है, मुझे तो तब तक पता ही नहीं था. छी अरे उससे सही होएगा वो. छी तेरे थूक से सड़ जाएगा. तो इतनी बार फिर पप्पियां क्यों लेती है? मन नहीं लेने का ना पप्पी मेरे. अश्लील बातें ना की जाए. बच्चे व्लॉग देखते हैं. मैं तो बहुत ताज्जुब में चल रहा हूँ कि मतलब पब्लिक ना अच्छा कमेंट करते करते कि इंसान है ना उल्टा हो गया अचानक. हाँ मालूम है, कमेंट पड़ी मैंने. बोलते कमेंट अश्लील पना मत कीजिए, बच्चे व्लॉग्स देखते हैं तो ये कल की व्लॉग पे भी धमाल का है कुछ. हाँ वही आईडी से मतलब अच्छे कमेंट, वी लव यू, वी लाइक यू, really this that पूरा पलटी हो गया यहाँ पे तो पूरा. अरे अभी जल रहा है यार मेरे को. हाँ. तुमने मेरे को क्यों बताया मेरी उंगली कटी हुई है? वो हो जाएगा, अभी उसके कीटाणु मरने वाले. तुम्हारा कीटाणु जाके मेरे को जल रहा है, वहां पर नाच रहा है.
तो ठीक है गाइस, हमारा नाश्ता हो चुका है, अभी हम लोग बैठे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ब्लॉग एडिट करने का पहले। यस, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेटी हुई थी तो उतने में अभी थोड़ी देर पहले जैनब का फोन आया कि समदानी के स्कूल से मैसेज आया है कि स्कूल की लाइट चली गई है। अब स्कूल की लाइट चली गई है तो बच्चों को जल्दी छोड़ा जा रहा है स्कूल से, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर बाद कैब जाएंगे समदानी को लेने के लिए। उसका बस ड्राइवर भी उसको पिक कर लेगा समदानी को अभी थोड़ी देर में। हाँ कैफ, तो ये देखिए महाराजा यहाँ है और हम यहाँ हैं, तो हम ज़मीन पे लेटे हुए हैं, पता है ना औरतों के स्ट्रगल्स। एनीवेज गाइस, सो अभी थोड़ी देर में कैब चले जाएंगे लेने के लिए। और पता है हमारी जो बाहर वाली खिड़की है ना, जो ओके ओके जहाँ से वो पाइप लाइन जो सब है ना, जहाँ पर हमने सब सामान रखा अभी थोड़ी देर पहले मैं गई ना गाइस, वो बंद थी, ठीक है। और अभी अच्छा हुआ सामने वाला आंटी ने देखा, यहाँ पर लिफ्ट का काम हो रहा है ना, तो उन लोग ने शायद खोला, वहाँ पर पूरा सामान वामान रखा हुआ है, तो उन लोग ने खोल के खिड़की ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया और खिड़की भी नहीं बंद कर। इतना एटीट्यूड है इन लोगों को कि ऐसा भी नहीं कि नहीं यार मैडम हम लोग ने खुला रखा है, कुछ कुछ भी नहीं बोल रहे, और इतना एटीट्यूड में ना हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं उन लोग। अरे यार तुम ये तो बोलो कि हाँ हमने खुला रखा है कि हवा आने के लिए, कुछ चीज़ के लिए बोल सकते ना, कुछ भी नहीं ऐसे एटीट्यूड से देख रहे शायद से, पर बोल सकते ना कि कैफ हमने खोला या कुछ, वो बोल भी नहीं। अच्छा वो सामने वाला आंटी ने बोला वहाँ पर पूरा सामान टाइल्स वाइल्स रखा हुआ है नया नया, तो अभी मैंने जाके बन के अभी कैफ को बोली जाके जंजीर लेके आवे और यहाँ पर मैं जंजीर लगा दूंगी, ठीक है। तब मैंने किया फिर थोड़ी देर बाद। आज भाई साहब की स्कूल छूट गई जल्दी और भाई साहब आ गए कहाँ पर? मॉम के घर पे। और ये अरे बाप रे, लिफ्ट की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत गंदा हो गया है। और मैंने चेन वगैरह लेके आया, ये जंजीर आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आड़ा टेढ़ा दिख रहा हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड, ओके। और अभी जाते हम लोग घर पे, फिर आपसे हम लोग मिलते हैं, हाँ समदानी। हाँ। सरप्राइज मिल गया समदानी, घर पे आया अभी, देखो होमवर्क कर रहा है उसको मुंह हाथ धुलाई। अभी लॉलीपॉप अभी क्यों दी? मैंने नहीं दी, खुद ही खोल के खाया। ये गाड़ी में बैठा भी था, लॉलीपॉप खा रहा थे। हाँ। कौन दिया था? दिलाया। कभी? मैं कब दिलाया था गाड़ी में? किस कौन दिया था? ओके ठीक है चलेगा। पागल है। लिख लिखो तुम होमवर्क, लिखो बराबर लिखना। फोर बोलो। फोर फोर पूरा थूक है ना बुक पे गिरेगा? नहीं गिरेगा वो, गुड बॉय। हाँ और पूरा 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 कंप्लीट करो बेटा। हाँ। नीचे हाँ। नीचे हाँ, हाँ। अभी फोर तो क्या थी? स्टैंडिंग लाइन थी ना। हाँ अभी स्लीपिंग लाइन। जुत्ता पहन बहुत इधर आए। ए बंदर मामा क्या कर रहे? बोल मैं चाय पानी खा रहा हूँ। पागल हो गए ले, ये अभी इसका नाश्ता सेशन चालू है, चाय बटर। ए ए कैसा कर रहा था, कैसा चल रहा था वो? समझा नहीं कैसा चल रहा था। कैसा कैसा? एक और बार, एक और बार। समदानी तो चला गया और मैं ऐसी बैठी हूँ बस, अभी जस्ट उसको शूज़ उस पहनाई और भेजी। अच्छा लगता है ना छोटे बच्चे हो तो घर में कि यार हाँ अभी इन लोगों को शूज़ पहनाना है, हाँ अभी ये लोगों को कपड़े ऐसे पहनाने हैं, हाँ अभी इन लोगों का खाना ये करना है वो करना है, हर चीज़ें मतलब लाइक ऐसे अपने आप ये होने लग जाती है यार कि हाँ यार अभी तो ये छोटा है ना, तो अभी इसको ये चीज़ देनी पड़ेगी, उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा लगता है यार, हकीकत में बहुत अच्छा लगता है। और मैं लिटरली जब दरवाज़ा बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ तक कि कैफ के पास चाबी थी, फिर भी कैफ ने बेल बजाए, और जब मैंने दरवाज़ा खोला आया था कि कैफ मस्ती करे लेंगे बेल बजा के कि हाँ मैं आया हूँ ये वो करके, बट मैंने जब दरवाज़ा खोला सामने समदानी ना, लिटरली बोलो उसको देख के मैं एकदम, मैं ऐसे आलसी की तरह थी, मैं उसको देख के एकदम मेरे में एनर्जी आ गई, मैं फटाफट गई नीचे जाके दूध लाई, बटर लाई, उसको चाय बना के उसको खिला के उसको एकदम क्लीन करके, ईयर क्लीन करके, उसको पूरा मुंह वो क्लीन करके अभी उसको भेजी हूँ मैंने। मतलब लाइक वो छोटा मतलब एकदम जब वो न्यू बॉर्न भी था ना, जब उसके एकदम नेल्स थोड़े बड़े बड़े थे ना, तो एक बार जैनब ने नेल काट दिया था उसका, तो जब नेल काटा था ना तो उसकी छोटी सी पिंकी फिंगर है ना वो कट गई थी, अब वो कट गई ना बच्चा बहुत रोया बहुत रोया, तो जब से ना जैनब उसके नाखून काटती नहीं, जब से मैं नहीं तो अम्मी नाखून काटती उसका, ज़्यादा करके मैं ही काटती थी, बट अभी फिलहाल कभी कभी अभी जब मेरे इधर नहीं आना जाना होता उसका, तो
तो अम्मी ही काटते हैं। तो अभी आया मस्त उसको यहाँ पर अच्छे से बेटा बेटा, ये बॉर्डर पार नहीं करता है वो, जो ये विंडो का बॉर्डर है पार नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं चिल्लाती हूँ कि उस तरफ नहीं जाने का करके, तो जाता नहीं। यहाँ पर बैठ के मस्त अभी वीडियो देखा, अब इसके बैग में उसको चिप्स विप्स दिलाए थे, कैफ ने वो रखी और अभी मस्त में चला गया। अच्छा नहीं यार, एकदम घर खाली खाली फिर हो जाता है। अभी वो आया ना तो तुमको घर ऐसा लग रहा है कि कोई है घर में, भरा भरा घर लग रहा था। अभी फिर मैं नीचे गई थी तो उसने पॉटी कर दिया, पॉटी कर रहा था, कैफ ने उसको लेके जाके बाथरूम में धुला वुला के सब कुछ करके, कैफ को पता मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। कैफ बोले ठीक है चलेगा जा टॉयलेट करने जा रहा है, तो कैफ समझ गए कि ये पॉटी ही करने जा रहा है। तो कैफ बोले उसको टूथ रहा था सब पैंट वेंट ने ना उतार के जाना, तो वो बोलता है नहीं नहीं सिर्फ सुसु करो सुसु करो। कैफ बोला तू उतार के जा बोल रहा ना, तो उतार के गया जाके पॉटी करा। तो कैफ का आवाज यार यार पॉटी कर रहा हूँ मैं, तो कैफ बोला हाँ मेरे को मालूम ही था। फिर उसको कैफ ने पॉटी वोटी धुलाई। वो तो लाइक कि यार हर चीज़ मतलब कैफ की हर चीज़ को एकदम ये करता है कि कैफ चाहिए उसको, कोई रहो ना रहो मैं रहूँ ना रहूँ बट कैफ चाहिए उसको। बच्चे यार कितने प्यारे होते हैं यार, बस आप लोग भी दुआ करो कि मुझे भी प्यारी सी एक औलाद हो जाए और कुछ नहीं। तो चलो अभी मैं जब तक बैठी हूँ देखती हूँ कैफ कब तक आते हैं क्या आते हैं। फटाक से तो आ जाना चाहिए, सिर्फ जैनब के यहाँ पर छोड़ के उनको आना है तो आ जाना चाहिए। तब तक मैं बैठती हूँ जब तक टाइम पास करती हूँ। मैंने क्रीम पाव लाई थी कैफ के लिए मेरे लिए, तो अभी मैं खाती हूँ ये और फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। घर के अंदर कौन आया? अचानक से घर का दरवाज़ा खुला था तो कैसे घुस गई थी छुपके से। सो गाइस देखो माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है आज का, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा नज़ारा चाहिए तो आ जाओ दिखा दूंगा, ठीक है। और ऊपर देखो ऐसा जरदरा जरदरा हुआ हुआ है, ठीक है। और नीचे देखो ऐसा गदगदा है, गदगदा यहाँ पे नीचे साइड पर गदगदा है, ऊपर जरदरा है और यहाँ पे फरफर है और यहाँ पर फावड़ा है। केजीएफ नहीं करेगा तेरा, फोकस नहीं कर रहा ये, आराम से फट्टू आदमी है, फट्टू आदमी। अबे अपने अरे रे 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 फ्लाइट उड़ रहा है सिरिन तू देख ज़ूम मार पड़ा चल। क्या ज़ूम मारूं? अरे फ्लाइट कहाँ? प्लेन तो प्लेन बोला। फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ। कहाँ से टेकिंग ऑफ? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिखा तेरे को? वो सामने जा रहे है। मुझे नहीं दिखता दूर का। अरे जूम तो कर। किधर जूम कर? अरे जूम कर, हाँ इधर ही जूम कर, कर करते रहे। इससे ज्यादा नहीं होती जूम। क्या वो खम्बे के पीछे आएगा आगे? हेलो किधर गिरी? खड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अभी। क्या देखी? फ्लाइट बोइंग। चल मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो ही खंबे के ये साइड में। माशाल्लाह बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं हम लोग पहले जैनब के यहाँ पर, उससे जाके थोड़ा मिलूंगी, उसकी तबीयत भी सही नहीं है तो उससे थोड़ा जाके मिलूंगी, थोड़ा जाके मिल लेती हूँ। और पता है गाइस क्या हो गया, बाइक जब से ना बाहर खुलवाई है मैंने इतनी तकलीफ हो गई है ना। शिरिन बैठी है ऊपर जैनब दीदी के पास और अभी मैं गया था समलानी की साइकिल लेने के लिए क्योंकि उसके आई गेस पीछे आगे वाला कोई तो टायर है ना पंचर हो गया था तो अब्बा ने बनवाने दिए थे। तो अभी मैं नीचे आया इसको लेके और जाके साइकिल लेके अभी साफ वाफ किया मैंने इसकी साइकिल और अभी ये साइकिल चला रहे। जब तक शिरिन आती है तब तक मैं इसके साथ अभी टाइम पास करूँगा नीचे। चला ना क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? मैं जैनब के यहाँ पर थी और ये रहा अब्बा के लिए खाना और अभी मैं चाह रही हूँ नीचे और
सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे अब्बा को खाना देने के लिए और कुछ नहीं। तो ये लोग समदानी और कैफ नीचे ही थे कब से साइकिल चला रहा था समदानी, और देखो पीछे बच्चे लोग साइकिल चला, ये रहा एक्सीडेंट होते हुए पकड़ी गई समायरा जा रहे बांद्रा। और ये ले लिया मैंने पहले थोड़े से चॉकलेट्स जो जन्म ने दिए बच्चों को देने के लिए दरगाह के यहाँ पर, तो हम लोग वो दे देंगे। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्या बता रहा अंकल को जैसे कि उनका दोस्त है बचपन का, एड्रेस तो ऐसा पता है जैसे बचपन का दोस्त है यार अंकल तेरा, हाथ वाथ कंधे वंधे पे रखे है। चलो चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं। और आज खाने में हमने लेके आया है, शिरिन को ये बहुत पसंद आई थी कल, तो बटर नान। और एक बटर नान का साइज देख लो आप लोग, ये एक है इतनी बड़ी, तो हमने टोटल तीन बटर नान, ये रही चिकन चिली ड्राई, तो ये चिकन चिली ड्राई और ये मेरे लिए चिकन फ्राइड राइस, जिसमें से मैं थोड़ा इसमें से भी मुंह मार लूंगा बट ठीक है। सो अभी फटाफट से खाना खाते और फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। ऑलराइट सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना खाकर हो चुका है, खाना तो काफ़ी टाइम पहले हो गया था हमारा खा के, और खाना आना खा के फिर शिरिन ने खाई कैरेमल कस्टर्ड, उसके बाद वो चले गए अंदर बेडरूम में। और मैं ऐसे खाना खाने के बाद सब सामान वगैरह हटा के मैं ऐसे बैठ के थोड़ा वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो मुझे भी अभी नींद आई, तो मैं सोचा चलो व्लॉग का एंड भी कर लेता हूँ। और आज सडनली दो दो बच्चे हमारे घर में आ गए थे, मतलब बच्चों की तो बारिश एक तरीके से हो गई थी आज हमारे घर में। और एक प्लान था मेरे दिमाग में कुछ करने का, बट किसी चीज़ की वजह से वो नहीं हुआ। बट बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको धमाल दिखने वाला है गाइस, बवाल होने वाला है। शिरिन को कोई आइडिया नहीं इस चीज़ के बारे में कि उसके साथ क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग तक का वेट करना, ठीक है। सो इसके बाद का जो व्लॉग होगा, यानी ये व्लॉग आप लोग देख रहे होंगे आई गेस, मेरे को डे याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत खुराफात आइडिया मेरे दिमाग में आया हुआ है। और शिरिन की हालत होने वाली है टाइट, तो मज़ा तो आएगी, तो अगला व्लॉग ज़रूर देखना आप लोग। एंड सॉरी आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा खुराफात करेंगे। होप यू गाइस हैव लाइक द वीडियो, ठीक है। अगर लाइक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज़ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शेयर एंड व्लॉग्स। सॉरी, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।